आपको बता दें, थाना हाथरस गेट के गांव भोजपुर में एक 1.5 साल की मासूम बच्ची सो रही थी, तभी भैंस बुग्गी वहां से गुजर रही थी और अचानक भैंस बुग्गी का संतुलन बिगड़ जाने से भैंस बुग्गी को खींचता हुआ चारपाई के पास लेकर आया, जहां बच्ची सो रही थी और उसके ऊपर से टायर निकल गया, जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर वहां काफी तादाद में भीड़ों की उपस्थिति हो गई और गांव में सन्नाटा छा गया। तभी गांव वाले बच्ची को गोद में लेकर रोने लगे और चिल्लाने लगी। तभी मां का कहना है कि मैं अपनी बेटी को सुलाकर नहाने के लिए गई थी और जब मैंने अचानक रोने की आवाज सुनी तो मैं वापस लौटी तो बच्ची को मृतक पाया। हरीश कुमार जी, क्या कह रहे हैं आप? फैसला कर रहे हैं, मतलब घर की बात। अच्छा, फैसला कर रहे हैं, तुम्हारे घर की बात। चलिएगा, इनके घर की बात है और ये लोग फैसला कर रहे हैं, ठीक है, हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब फैसला कर रहे हैं तो कोई वो नहीं है और गांव भी काफी लोग उपस्थित हैं, हम पे कई फोन गए, उसके अलावा हम यहाँ पर आए, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ का हाल जाना, क्या है क्या नहीं है। बच्ची की जिस तरह से मृत्यु हो गई है, मासूम बच्चा है, सोते में ही रह गई है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? ठीक है, हाथरस से केके रीनू संवाददाता मनोज शर्मा की रिपोर्ट।